गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, एमकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ 11th के बारे में बताएंगे। तो पहले हम हमारे कोचिंग संस्था में क्लास 7 से 12 तक का क्लास यहां पर उपलब्ध है। 10th तक मैथ साइंस और आपका 11th 12th सिर्फ मैथ हम पढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे। न्यू बैच स्टार्टेड है 6/6/2020 से, मतलब आपका कल से सुबह से स्टार्ट है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका 11th का मैथ है। 11th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आकर के आप सुबह से 7:30 से आप 8:30 पढ़ सकते हैं क्लास 11th का मैथ। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन कराया जाएगा एक एक हिसाब। जहाँ पर समझने में दिक्कत हुआ या कुछ और प्रॉब्लम होगा तो आप हमें जानकारी दीजिएगा, और उससे का हम कुछ भी समस्या का हो तो समाधान, जो भी समस्या हो उसका हम समाधान जल्द ही करेंगे। तो चलते हैं हम कुछ आज हिसाब लेकर दो पीस देख लेते हैं क्लास 11th का किस प्रकार से है, कैसा लगता है। लोग बहुत सोचता है कि भारी है, ईजी है या इस प्रकार से है। हमको तो लग रहा है सबसे आसान विधि है। आप पहले आइए और कोचिंग में पढ़िए पहले, उसके बाद फिर कुछ कर सकते हैं। आप आकर के देखिए, कम से कम आपको हम लगभग 10 से 20 दिन आप पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। आपका अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा, ठीक लगेगा, आपके अनुभव से समझ में आ रहा है तो पढ़िएगा, या फिर अन्यथा नहीं पढ़िएगा, आपका मन है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका सुबह से हम बैच स्टार्ट करेंगे 26/6/2020 से, आपका 7:30 से 8:30 पढ़ाएंगे। पहले आप वीडियो आराम से आसानी से देख लीजिए, उसके बाद फिर कुछ कमेंट के माध्यम से जहां नहीं समझ रहे हैं या कुछ और पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 95 34 50 48 75। आपका ऑनलाइन भी क्लास देंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास अभी तत्काल में नहीं देंगे, अभी ऑफलाइन आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं 7:30 से 8:30। ऐसे कभी काल बीच में आते रहेंगे, आपका सिलेबस जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में हम आपको टॉपिक बताते रहेंगे, और आपका ऑनलाइन के माध्यम से भी कुछ जानकारी जरूर होगा। तो हम आज आपको संबंध के बारे में कुछ बताते हैं। पहला चैप्टर में थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं और 2 चैप्टर भी करीब खत्म हो गया है। आपका सेट पहला समुच्चय और दूसरा रिलेशन संबंध, दोनों चैप्टर खत्म हो गया। फिर भी हमें आपको कल आपका स्टार्ट होगा फलन होगा, फंक्शन स्टार्ट होगा। तो इसके लिए पहले आप एक हम टॉपिक बता देते हैं संबंध के बारे में, 2-4 हिसाब समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको कल से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाएंगे, आप आकर के भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, कहता है नंबर 1 ए बराबर एक सेट दे दिया है आपका ए बी सी, और दूसरा सेट दिया है बी एक्स वाई जेड। तो कहता है ए क्रॉस, इसको क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी ज्ञात करें और बी क्रॉस ए ज्ञात करें, और कहता है फिर ए क्रॉस ए भी ज्ञात करना है। तो एक हम बता देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा, आप होशियार हैं, आप समझदार भी हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। पहला कहता है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ए का मान कितना, ए बी सी, क्रॉस बी का मान कितना एक्स वाई जेड। अब इसको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो पहला क्या बन जाएगा, कर्मित योग में एक ए से हो जाएगा तीनों में, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के साथ हो जाएगा तीनों में, तो बी एक्स, फिर हो जाएगा बी वाई और बी जेड, फिर हो जाएगा क्या चीज सी के साथ हो जाएगा, तो सी एक्स सी वाई सी जेड। इस प्रकार से आपको हो गया आंसर ए क्रॉस ए। आप समझदार हैं, समझ भी गए होंगे। उसी प्रकार से अगर बी क्रॉस ए कहेंगे तो पहले क्या लिख लेंगे, बी का मान उसके बाद ए का मान, ए क्रॉस ए तो ए का मान और फिर ए का मान, दोनों को गुणा कर देंगे, बन जाएगा आपको आसान से। फिर देखिए प्रश्न आपका की है, दो नंबर आपका ए बी, दो नंबर भी बन जाएगा। एक अंक वाला बता देते हैं आपको, मान लीजिए सी नंबर है, आप सब बना लीजिएगा आराम से। कहता है ए क्रॉस ए ज्ञात करिए, कब कहता है जब ए आपका, तब एक मिनट, कहता है जब आपका ए बराबर हो ए
दो तीन है, एक दो तीन है, तो कहता है एक क्रॉस ए, तो समझिए फिर से एक क्रॉस ए बराबर बताइए क्या है, एक दो तीन क्रॉस, फिर एक दो तीन। अब इसको गुणा करेंगे एक क्रॉस ए, पहले एक से तीनों में गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एक दो एक, एक दो एक तीन, अब दो से तीनों में दो एक, फिर क्या हो जाएगा आपका दो दो, दो तीन, फिर तीन से कर दीजिए तीन एक तीन दो और फिर तीन तीन, यही हो गया आपका आंसर। समझ गए, आप आराम से बनाइए घर में, जहां पर प्रॉब्लम होता है आप व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम आप पढ़े होंगे, पहले हम कुछ समझ लेते हैं, पहले समझिए। जैसे मैं मान लीजिए एक सेट है ए, आपका मान लीजिए एक दो तीन है, और एक सेट मान लेते हैं बी, इसका मान लीजिए तीन चार पाँच है, ठीक है। तो यूनियन निकालेंगे, यूनियन मतलब होता है आपका मिला करके लिखना, यूनियन ए यूनियन बी निकालेंगे, तो करेंगे क्या चीज, जो मिलता है उसमें मिलेगा और जो दोनों में मिला करके लिखना है, क्या हो जाएगा आपका एक दो तीन, एक दो तीन दो दो लिखाइए गया चार पांच, ये हो गया आपका यूनियन। अगर हम इसको कहेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में जो मिलता है सो लिखेंगे, तो क्या क्या मिला आपका दो मिला और कुछ मिला है नहीं मिला, तो यही हो गया आपका क्या चीज इंटरसेक्शन। समझ गए, उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे किस प्रकार से आपका यहाँ पर मान निकल रहा है वो देखेंगे। तो इसमें कहता है पहले क्या चीज बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम क्या करते हैं बी यूनियन सी, बोलिए बी का मान कितना एक दो, और यूनियन सी का मान कितना तीन पांच सात। तो यूनियन मतलब क्या होता है मिला करके लिखना, तो यूनियन मिला करके लिखिए क्या हो जाएगा आपका एक दो तीन पांच सात। आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर में सेट में पढ़ाए, हम तो क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाए भी है आपको, इसके बारे में थ्योरी पढ़ाए, थ्योरी भी पढ़ना जरूरी होता है, थ्योरी पढ़ाए आपका हम डायरेक्ट हिसाब होता है, ठीक है। तो यूनियन मतलब मिला करके लिख दिए। अब कहता है ए क्रॉस ए यूनियन बी, ए क्रॉस ए बी यूनियन सी, सॉरी यहाँ पर बी यूनियन सी है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए का मान देखिए कितना एक दो तीन, क्रॉस बी यूनियन सी का मान कितना, बी यूनियन सी का मान आपका आ गया कितना गया एक दो तीन पांच सात। अब इसको करना है क्रॉस, तो क्रॉस में हम बताए थे आपको क्या पहले एक से कुल में गुणा करिए, तो एक 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 दो एक तीन एक पांच और एक सात, फिर देखिए एक साथ हो गया, फिर क्या करना है दो से कुल में गुणा, तो दो एक दो 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 तीन दो पांच दो पांच और दो सात, फिर करेंगे तीन से कुल में गुणा, तो तीन एक आपका तीन दो तीन 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 पांच और तीन सात, यही हो गया आपका क्या चीज क्रॉस में हो गया। समझ गए होंगे, पहले हम यूनियन इसका ज्ञात कर लिए, क्या किए यूनियन ज्ञात है दोनों को मिला करके लिख दिए, और फिर कहता है एक क्रॉस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी और एक क्रॉस में क्या किए दोनों को गुणा क्रॉस कर दिए, यही हो गया आपका आंसर। समझ गए, देखिए अगला आंसर क्या है। देखिए अभी हम इंटरसेक्शन का भी एक बता देते हैं, आपका दो तीन बन जाएगा, दो का दो नंबर और तीन नंबर बन जाएगा, चार नंबर देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। क्या करता है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस क्या है सी, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो ए का मान देखिए कितना है आपका एक दो तीन, इंटरसेक्शन बी का मान कितना है एक दो है। इंटरसेक्शन मतलब हम बताए थे जो दोनों में मिलता है वो कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में क्या मिल रहा है आपका एक और क्या मिल रहा है दो। अब ज्ञात कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, तो आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया कितना गया एक दो, क्रॉस सी का मान मालूम है कितना है तीन पांच सात। अब इसको कर देंगे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा आपका पहला एक तीन
एक पाँच एक सात, फिर हो गया आपका दो से कर दीजिए दो तीन, दो पाँच दो सात, यही हो गया आपका आंसर। तो समझ गए होंगे और आशा हम जरूर करेंगे कि आप समझते होंगे। तो आपका कल से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं आपका 7:30 से 8:30 11th का बैच, तो आइए और आप कोचिंग में ऑफलाइन का भी पढ़ सकते हैं। और पहले समझिए 10 से 20 दिन आप फ्री में पढ़िए, उसके बाद समझ में आता है तो पढ़िए, ना आता है तो नहीं आता है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोचिंग का भी हमें एड्रेस बता देते हैं, आपका बड़तल्ला में है, आपका कॉलेज रोड बड़तल्ला में आपका एक सैलून खुला है जो सैलून के बलग में ही है, द लर्नर पॉइंट में है, और उसी क्लास में हम MKS मैथमेटिक्स क्लासेस पढ़ाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, समझ गए होंगे हम जरूर आशा करते हैं, और आप कल से आकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।